अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी सामिया मलिक एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो यस गाइस, आज के व्लॉग में हमने जाना है रमजान की ग्रोसरी करने। मेरी कजन भी साथ थी और हम लोग गए थे आज रमजान की ग्रोसरी करने इम्तियाज। सो गाइस चलिए लेट्स गो होते हैं। और ये मैंने आधे रास्ते पहुँच कर ही व्लॉग स्टार्ट किया था, तो चले चलते हैं और जाके देखते हैं कि आज क्या होता है। सो गाइस, वैसे तो गाड़ी में सॉन्ग्स वगैरह ऑन होते हैं, लेकिन ये बात मुझे पहले नहीं पता थी जो मैं आपको बताने लगी हूँ। तो मैं जो गाड़ी में सॉन्ग्स ऑन होते हैं उसको हमें करना पड़ता है रिमूव, क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट लिखा आ जाता है, क्योंकि वो सॉन्ग्स ऑलरेडी यूट्यूब पे होते हैं। और ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, मुझे अभी भी पता चली है कि ये कॉपीराइट क्यों लिखा आता है। तो मैं सोचती थी मैं तो किसी की कॉपी करती नहीं हूँ, तो कॉपीराइट क्यों लिखा आता है। तो अब मुझे पता चला कि जो उसमें सॉन्ग्स यूज़ होते हैं वो ऑलरेडी यूज हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमारी वीडियो के नीचे भी आ जाता है कॉपीराइट। सो गाइस यहाँ पे तकरीबन तो जी गाइस हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके थे इम्तियाज में, और अब हम लोग यहाँ पे ऐसे ही जरा खड़े होके शिशके वशके मार रही थी। मैंने कहा वीडियो बना लो, तो उसके बाद अभी हमने जाना है अंदर। ये हमने अपना क्यूटो सा बेबी बिठा दिया ट्रॉली में, क्योंकि ये ट्रॉली होती है बच्चों के लिए कि इनको बिठा दे यहाँ पे बिठा के आपने करनी है पूरी अपनी ग्रोसरी, ताकि आपके बच्चे आपको तंग ना करें। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है। यहाँ पे मुझे बिल्कुल रमजान वाली फीलिंग आ रही थी, तो सो रमजान इज कमिंग और बहुत मजा आएगा रमजान में। यहाँ से हम लोग जा रहे थे नीचे वाले फ्लोर्स में, और ये यहाँ पे फिर चले चलते हैं मेरे साथ। तो गाइस यहाँ पे इस अंकल को देख के मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, बिल्कुल सामने मुंह करके खड़े हो गए थे और हट ही नहीं रहे थे। मैंने कहा वाह जी वाह, इनके भी कोई अलग ही चश्मे हैं। जब हमारी लिफ्ट बंद हुई थी ये उधर चले गए, वाह जी वाह, क्या ही लॉजिक थी इनकी भी। तो हम लोग फाइनली नीचे वाले फ्लोर पे पहुंच आए थे, और यहाँ पे मैं साथ कर रही थी, मैं अपनी कजन्स के साथ ग्रोसरी कर रही थी, और ये बेसिकली यहाँ पे अभी उसने कोई चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो मैं साथ कह रही थी चलो मैं व्लॉग ही बना देती हूँ, लोगों को दिखा देती हूँ। तो लेट्स सी, यहाँ पे वो ले रही थी बिस्किट्स, तो मैंने कहा बच्चे तेरे तुम्हारे कौन से बच्चे तुम बिस्किट्स ले रही हो। तो कहती है मैं खुद तो बच्ची हूँ, मैं तुम्हें बच्ची नजर नहीं आती। मैंने कहा अच्छा यार ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारा बिल वगैरह करवाना था, और ये थी हमारी आज की ग्रोसरी। वैसे कैसे इतना लंबा व्लॉग नहीं बना सकी, मतलब सब कुछ आपको नहीं दिखा सकी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता और सब लोग देख रहे होते हैं, इसलिए जो जो मैं आपको दिखा सकती थी वो मैंने आपको दिखाया। ये थी हमारी ग्रोसरी, और यहाँ पे अब हो रहा है बिल। तो गाइस यहाँ पे हमारी बिलिंग वगैरह और ग्रोसरी कंप्लीट हो गई थी, अब हमने जाना था घर को वापस। और यहाँ पे हम खड़े होकर वेट कर रहे थे, अपनी गाड़ी कर चुके हो चुकी थी गुम और आई नहीं रही थी, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सो गाइस देखते हैं कब आती। तो जी गाइस फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी थी, वो सामने रही, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी नजर आ चुकी होगी। सो लेट्स गो होते हैं घर के लिए। Thank you.
गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और अगर ना भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो यार।